खाना खा लो। नहीं खा रहे। पूजा, पूजा कहाँ है? हमें पूजा के पास जाना है। 48 घंटे हो गए, आपने कुछ नहीं खाया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर खाना तो खा लो। पूजा, पूजा तू कहाँ है? किस हाल में? पूजा हमें कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? हम जानते, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती। पूजा को कुछ नहीं हो सकता भगवान, पूजा को कुछ नहीं होगा, हमें कोई कुछ नहीं बता।
चाचा जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर दो जी स्वर्गीय पिताजी किसी के बीमार पड़ने पर हमेशा अपने मंत्रों से पूरे ग्रहों को टाला करते थे। हमने कभी उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। आज ये मंत्र काम आएंगे। पूजा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माफ कर दे पूजा, क्षमा कर दे, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अपने इन्हीं हाथों से तेरा संस्कार कर दिया हमने पूजा, इतने बड़े पाप का बोझ लेकर कैसे जिएंगे? चाचा जी, माँ पापा के जाने के बाद जो प्यार, जो स्नेह आपने मुझे इतने सालों तक दिया है, चंद दिनों की नफरत से उसका मूल्य घटेगा नहीं चाचा जी। चाचा जी, आप मेरे आदर्श हैं, मेरे पिता के समान हैं, और दादी कहती है ना कि बड़ों की डांट उनकी नाराजगी भी भगवान के प्रसाद की तरह होती है। उसमें कोई अपवित्रता नहीं होती। आंसू पोंछ लीजिए चाचा जी। Thank you.
नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार। कल सुबह अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बुला लेना, मैं उनसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये डॉक्टर साहब, क्या बात है? देखिए इतने दिनों में हीलिंग तो हुई है, लेकिन पूजा की फिजिकल कंडीशन जैसी है उसे इलाज की आवश्यकता तो है ही, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है मुझे लगता है कि उसकी जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। एक डॉक्टर की हैसियत से हम लोग ऐसे मरीज को घर ले जाने की इजाजत तो नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग पूजा को घर ले जाइए ताकि उसके तन और मन पर लगे हुए घाव जल्दी भर जाए। डॉक्टर साहब, हम ले जाएंगे अपनी बच्ची को, हम संभालेंगे उसे। आप चिंता मत कीजिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग पूजा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा देता हूँ। पूजा घर वापस नहीं जाएगी डॉक्टर साहब। वो वापस नहीं जाएगी। अब आप पर भरोसा नहीं है।